दोनों ही टीमों के कप्तान यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली वॉरियर और दिल्ली नाइट राइडर, नाइट राइडर कॉल करेंगे, देखना ये है लास्ट मिनट कैप्टन चेंज। और ये आज के पिच एक्सपर्ट, और देखना ये क्या लग रहा है आपको, पिच के ऊपर इन्होंने ये मैट बिछाई हुई है, क्या ये मैच कुछ हद तक टॉस जीतने वाले के लिए फायदेमंद होगी या जो बॉलिंग करेगा उसको ज्यादा फायदा देगी? एक्चुअली जो पहले बॉलिंग करेगा उसको जरूर फायदा होगा क्योंकि ये वीडियो है पिच के ऊपर, बट जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगा ये ड्यू खत्म होती जाएगी। सो द टीम डिसाइडिंग टू बॉल फर्स्ट शुड हैव सम एडवांटेज। जो जीता वही सिकंदर। देखना ये है कि ये क्या, चलो मैं कर दूं। दस ऐसी शोर मचाने वाली है, जी तो ठीक हुआ।
आया कहीं से, चालू किया, फुल बैटरी दिखा रहा था, फिर चलते चलते एकदम बंद हो गया। वीडियो के बीच में पकड़ लेना है, और बहुत 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 ब
कुछ खेलते हैं ये लोग हिसाब से फिटनेस लेवल देख दिल्ली प्रीमियर लीग 2016 का आज का मुकाबला हुआ, आपने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो आपको क्या लगता है कि यह फैसला आपका कितना सही साबित हुआ है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह फैसला बिल्कुल ठीक था, वी डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द टीम टू अ लोअर टोटल, बट समहाउ यू नो थिंग्स वेंट गुड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज. I think we gave much more runs whatever we thought of. I think we didn't field it well. क्या आपको लगता है कि आपके जो दो महिला खिलाड़ी थे उन्होंने रात के दो ओवरों में जो चार रन आपके माइनस हुए हैं, क्या आपको वहां पर लगता था कि वहां गेम चेंजिंग हुई है? We lost by more than 100 runs. I don't think that 4 run or 8 run matters. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंक जाती, कोई भी हारा हुआ या कोई भी जीता हुआ नहीं माना जाता है. लेकिन यहां पर 218 रनों का एक बड़ा सा विशाल सा स्कोर था जिसको पार करने में नाकाम रही नाइट राइडर की टीम मात्र 99 रनों के स्कोर पर. लेकिन मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छा खेले आप सभी, थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही मैं विनिंग टीम के कैप्टन अनुरोध करूंगा मिस्टर विशाल, पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने आज बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई आपकी टीम के. और क्या लग रहा था आपको 218 रनों का स्कोर बनाने के बाद, आपको लग रहा था कि ये जीत आप आसानी के साथ हासिल कर लेंगे? एक्चुअली हम तो मैच शुरू होने से पहले ही जीत गए थे और उसका रीजन था कि जो कमेंटेटर्स हैं उनकी टी शर्ट ही वॉरियर्स की है. सो वी हैव ऑल द मोर सपोर्ट. But I think I would like to thank EY on this. I'll take this opportunity to thank EY for organizing such a fantastic tournament. And we have a formidable lineup, and it was a lot of challenge for us to select the 15 playing. And all the players have lived up to their potential. Special mention to Arun Singh for his outstanding 55 not out. All the team members batted and bowled really well, and I think the difference was in the fielding. The commitment was right up to the highest level, and we are looking to carry forward this momentum.
थैंक यू सो मच विशाल। जैसा कि मैंने देखा 218 रनों का इन्होंने स्कोर खड़ा किया। दोनों ही बल्लेबाज अरुण और मनीष बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन बल्लेबाज उन्होंने, दोनों ने बेहतरीन स्कोरिंग की और मैच को 218 रनों तक लेके गए और मात्र 99 रनों के स्कोर पर ऑल आउट किया और एक बड़ी जीत हासिल की। इसके साथ ही हमारे इस IIC के ऑर्गेनाइजर, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो कुछ थैंक यू मैं यही खड़ा हूँ। आई थिंक वी हैड अ ग्रेट ग्रेट मैच राइट डिड वी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द टीम्स। आई थिंक यू गाइस प्लेड रियली वेल well fought yeah not a hard luck but you have time for the next to recuperate for the next game right but here we're going to give away two awards. One is of course the player of the match and no prizes for guessing. I think you know who that is, so may I request Vikas and Naman to please come up on stage and give away these two prizes. If Sandeep, if your call is not started, you could also come quickly. All right. So, okay, the first prize, of course, one is the player of the match. The second prize is the best cheering squad. I think there's no points for guessing and the other team will not disagree to it. The best cheering squad goes to the Warriors! The Warriors, they get a gift hamper to the cheering squad team. Where is the cheering squad? No, not the players, only the cheering squad. Oh, you're the cheering squad. There you go. Nene, a group picture, quickly. Group picture, quickly. And okay, thank you. Ho gaya? Ready? okay. Done. Thank you, congratulations. All right, the next award is the player of the match. This gentleman has scored 55 runs in some 20 odd balls. He's also bowled 2 overs and has taken 3 wickets. Only conceded 6 runs. And a direct hit for a run out. Definitely player of the match. He gets a trophy. Player of the tournament trophy. Player of the match trophy. There you go. The Warriors. Thank you very much, ladies and gentlemen. Good game. Good night. The speech. Hang on. Come back here. Man of the match has to say something. All right. Come on. Arun, how does it feel? Come here. First of all, thank your parents. Captain, I'm not going to thank my parents. Okay. First of all, kudos for the cheering team, man. Amazing job. Cheering team is busy. And kudos to the organizing committee. I think they have put on a great job. Thank you very much. All right, guys, have a good time. Go. Have fun. And be around to cheer for the next match. Hello. और इसके साथ ही IIC एक्सलेंस पहली प्रीमियर लीग 2016 का दूसरा बेहतरीन मुकाबला कुछ